हर इज्म अल्लाह से पनाह मांगने की चीज़ है, हर इज्म। इसलिए कि हर इज्म अपने अंदर इंतहा पसंदी रखता है, ये मुमकिन ही नहीं। आप कम्युनिज्म का मताला कर लें, सोशलिज्म का मताला कर लें, आप फाशिज्म का मताला कर लें, उसके भी बड़े आला दलाइल हैं जब आप मताला करेंगे। हमारे अल्लामा इकबाल देखिए मुसोलिनी से कितने मुतासर हो गए थे, नुदरत फ़िक्र अमल क्या शय है ज़ौक़ इनकलाब, और उसकी तरफ से मुदाफ़त फरमाई थी, मैं फटकता हूँ तो छलनी को बुरा लगता है, क्यों हैं सभी तहजीब के औजार तू छलनी में छाज। तो ये सब होता है, फाशिज़म हो या कोई कम्युनिज्म हो या फेमिनिज्म हो, इज़्म बनता ही उस वक्त है जिस वक्त एक ख़ास तरह की रद्द अमल की नफ्सियात में इंसान अपने मुकदमात को उलट देता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में आप पहले मरहले में तकाबुल करने की बजाय ख़ुद ये समझें कि फेमिनिज़म या कोई भी इज़्म क्या कोई काबिल एतना चीज़ है भी, पहला मरहला ये। जब आप इसको अलग कर देंगी, यानी गोया फेमिनिज़म पर हम इस्लाम के हवाले से तनकीद नहीं करेंगे, पहले ख़ुद उसको समझेंगे उसके अपने मुकदमात क्या इल्म व अक़ल पर मबनी है, क्या उसमें इंतहा पसंदी उसी तरह की है जैसे कि मुख्तलिफ इज़्मों में हो जाया करती है, क्या वहाँ फिलवाके कोई इस्तदलाल पर मबनी मुकदमात हैं जिनसे बात उठाई गई है। तो उसका अपना तजज़िया होना चाहिए सबसे पहले। जब आप उसको मुकाबिल में ला के खड़ा कर देते हैं तो जो मज़हबी तासुबात हैं वो कभी रद्द करते हैं कभी कबूल करते हैं, आप सही जगह पर खड़े ही नहीं होते। तो उसको पहले अलग कर लें। अब रह गई ये बात कि आपने कुरान पढ़ा, एक मुसलमान की हैसियत से इस्लाम का मुताला किया, उसमें आपको कोई सवालात पैदा होते हैं जो ये नहीं कि फेमिनिज़म की रूह से, नहीं, इल्म व अक़ल की रूह से समझ में नहीं आते, उनको उस जगह पूछिए। मैं जो खिदमत कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे ना फेमिनिज़म की ताईद से कोई दिलचस्पी है ना उसकी तरदीद से, मैं तो हर इज़्म से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आप ज़रा तारीख पढ़ें कि हर इज़्म ने लोगों के अंदर जो हैजान पैदा किया है उसके नतायज क्या निकले। यहाँ तक कि इस्लाम भी जब इस्लामिज़्म बना है तो अल्लाह की पनाह उससे। देखा है आपने कि उसके नाम पर किस तरह से दहशतगर्दी हुई है, किस तरह से मस्जिदों में बम चले हैं, किस तरह से बच्चों को मारा गया है,